तो उसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि इस हमले के पीछे की वजह उस दावे को माना जा रहा है जिसमें ये कहा गया था कि मॉस्को पर कीव की तर्ज पर यूक्रेन हमला कर सकता है, जिससे पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और फिर एक के बाद एक कई मिसाइल कीव पर दाग दी गई। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बरसाने की असली वजह क्या मानी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। वजह नंबर एक, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। वजह नंबर दो, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। वजह नंबर तीन, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातो मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना था क्योंकि सारातो में ही ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले में रूस के दो न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। वजह नंबर चार, दावा किया गया कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने ज़ेलेंस्की के इनर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर की पुष्टि की कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। दावा किया गया कि रूस के सैन्य ठिकानों पर दो ड्रोन हमले हुए, उनमें कम से कम किसी ऐसे ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने की। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। रही सही कसर रूस की एक न्यूज वेबसाइट रेडोका की एक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रेडोका ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन है, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है और मॉस्को पर एयर अटैक पुतिन को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। यही वजह है कि पुतिन कीव समेत पूरे यूक्रेन को एक बार फिर अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से काफी खफा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की चेतावनी देने से भी परहेज नहीं कर रहे। Добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК плюс по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर, ये रूस की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल एम मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया ताकि अमेरिका तक कोई ये संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं।
यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? ये सवाल इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने तहखानों का मुंह खोल दिया है। मिसाइलें काल बनकर यूक्रेन पर बरस रही हैं और पुतिन क्रिसमस पर भी सीज फायर नहीं करने वाले।